हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा चैनल रीना क्रिकेटा में आप सबों का स्वागत स्वागत है। है। आप लोग कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। और आप लोग हमारा ब्लॉग देखते तो जरूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। तो आप लोग जब देखते हैं तो लाइक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर जरूर करें, और करिएगा। जो नए हमारे फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे। जरूर करें, है ना। तो बैंक अभी हम शेयर लोग बैंक जा रहे हैं, तो फिर बैंक से आते हैं, उसके बाद फिर फिर अपना आप लोगों से फिर मिल मुलाकात करते करते हैं। हैं। हम लोगों का स्टूडियो रोज रोज बदलते बदलते रहता रहता है। है, जहां हमें कंफर्टेबल लगता है हम वहीं वही पर, वहीं से आप लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते करते हैं। हैं। सुबह हो चुकी है और आज मैं अपने बिछौने धोने के लिए उठा दे रही हूँ, और इसके बाद मैं क्या बिछाती हूँ चलिए आगे फिर मैं दिखलाती हूँ। अब मैं इसे धोने के लिए डाल दूंगी। मैंने अपने बेड पर इस तरीके से बेडशीट डाली हूँ। ठीक लग रहा है? तकिया खोली अलग है, अलग होने का कारण है क्योंकि वो पिंक वाला जो तकिया खोली है वो इस बेडशीट का है। सूरज नजर आ रहा है, सीधे छन करके कमरे में घुस रहा है। कमरा एकदम गर्म हो गया। तो चलिए मैं इससे कैसे बचती हूँ, किस तरीके से सूर्य की किरण, पहली किरण सीधे खिड़कियों से होकर मेरे कमरे तक आती हैं। पर्दा भी लाल है, और इस तरीके से मैंने खिड़की पर एक बेडशीट डाल दी। उससे होता क्या है कि जो सूर्य की रोशनी जो आ रहा था उससे बचाव होता है और कमरा गर्म होने से बच जाता है। कुछ इस तरीके से ऊपर से पर्दा डाल लूंगी। सुबह उठ करके मैंने अपने पौधों में जिसमें ज़रूरत था सिर्फ उसी में पानी दिया। उसके बाद मैंने अपने घरों की साफ सफाई कर ली इस तरीके से। अब एक तरह से घर की साफ सफाई हो गई, अब आगे का काम जारी। एक बात समझ में नहीं आता, रोज सफाई कीजिए लेकिन घरों से इतनी सारी गंदगियां निकलना ही निकलना है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं आज आप लोगों को दिखलाती हूँ, आज बनाते हुए नहीं दिखलाई लेकिन ये दिखाई दिखाई पड़ रहा है ना, आलू और भिंडी की सब्जी और ये दाल। आज बिल्कुल सिंपल तरीके से कि मुझे बैंक जाना है, और बैंक से वापस आकर के देखते हैं आम की चटनी बनाएंगे। नाश्ते में इस तरह से हमने मैगी बनाया। कैसे लग रहा है? मैगी मसाला के अलावा है, मैं एक कुछ मैजिक मसाला भी डालती हूँ, जैसे कि थोड़ी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा
मीट मसाला है ना, और जो मैगी मसाला है सो तो है ही। तो इस तरीके से आज हमने अपने खाने की तैयारी की। ठीक है, फिर मिलते हैं बैंक से आकर के। जिस तरह की मैंने कहा था कि बैंक जा रहे हैं, लेकिन कोई काम तो बना नहीं बैंक में। पता नहीं बैंक में क्या काम हो रहा है। हमें एक रेकरिंग करवाना था, लेकिन बैंक वालों ने कहा कि रेकरिंग का काम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, बैंक में नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस में होगा, पोस्ट ऑफिस में हम करवा लेंगे, ऐसा हमने फाइनली सोच लिया है। तो कुछ सामान वगैरह लेके आए थे। ये ग्लिस्टर हमारा ख़त्म हो गया है, एमवे का है। बच्चे घर में रह रहे हैं। बिस्किट, मॉम्स मैजिक, और इलायची वंडर मिक्सचर, बीकानेरी गठिया, फिर बिस्किट, सिर्फ खाने के चीज भरे पड़े हैं। ये है सांबर मसाला, क्या बोलते हैं इसको, मुढ़ी कुरमुरा। और ये स्क्रोच बैग खत्म हो गया था मेरा, और ये गार्बेज बैग। सबको हमने धूप में रख दिया था, और हस्बैंड अपने ड्यूटी के लिए एक हैंकी। मैं उनकी लाइफ भी दिखलाऊंगी कि प्लांट पे उनकी ड्यूटी कैसे चलती है। तो ठीक है गाइस, इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ, और आप लोगों से फिर एक बार कहती हूँ, आप लोग ब्लॉग देखते तो ज़रूर हैं, सिर्फ 52% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, और बाद बाकी लोग सिर्फ देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी एंगल से आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल में नए फ्रेंड्स हैं तो वे सब्सक्राइब कर दें, और उसमें एक घंटी है उसको आप लोग ट्रिंग ट्रिंग बजा दें, जरूर कर दीजिएगा। आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। बाय बाय।